अब इसके बाद में मैंने फैसला ले लिया कि मेरे को तो कॉलेज लेक्चरर बनना नहीं है, मेरे को तो वो भोगाज पर शिलालेख वाला मेरे दिमाग में फिट हो गया। अब वो ऐसा सिम कार्ड फिट हो गया दिमाग में कि वो आज तक चल रहा है। तो मैंने सोचा कि वो हिस्ट्री में क्यों कलेक्ट ना करूं, यदि ये चीज मैंने कर ली, मेरी उम्र कम है तो मेरे बच्चे बड़े होने से पहले मैं इस तरीके का हिस्ट्री कलेक्ट करने में कामयाब हो सकता हूं, जिसकी आधार पर हमारी आने वाली जो जेनरेशन है उसको कोई मानसिक रूप से प्रेशराइज ना कर सके। एक चीज और मैं शिक्षा की दृष्टि से, हक अधिकार की दृष्टि से आपके सामने और बताना चाहता हूं, बैकवर्डनेस। आज एसटी हो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, जब भी आरक्षण की बात आती है सभी लोग बोलते हैं हम बैकवर्ड हैं। अब हम बैकवर्ड हैं इसलिए हम लोगों को बैकवर्डनेस दूर करने के लिए हम लोगों को रिजर्वेशन दिया, यह बात मूलतः गलत है। एससी के नजरिए से यह बात सच हो सकती है, ओबीसी के नजरिए से यह बात सच हो सकती है, आदिवासी के नजरिए से वो बात सच नहीं है। हम लोग बैकवर्ड थे, यह अवधारणा बनाना हमारे पुरखों के इतिहास से द्रोह करना है, धोखेबाजी करना है। और कैसे है वो साथ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अनुसूचित जनजाति कौन है उसके लिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लोकुर कमेटी और चंदा कमेटी। लोकुर कमेटी ने 5 बातें वो बनाई है, उसमें पहला है ट्राइबल ट्रेड आदिम लक्षण, दूसरा है आपका विशिष्ट संस्कृति, तीसरा पिछड़ापन, चौथा है आपका भौगोलिक अलगाव और 5वां है संकोची स्वभाव। ये जो 2 बड़ी बातें हैं, विशिष्ट संस्कृति और आदिम लक्षण, वो 1950 से पहले के जो दस्तावेज हैं, ट्राइब कौन इसको हमने विषय बनाया था, आदिवासी कौन, हम आदिवासी क्यों हैं, ये जो हमने विषय इसलिए बनाया था कि 1950 से पहले के जितने भी दस्तावेज हैं उनमें ये 2 बातें मिलती है, लेकिन ये 3 जो बातें नहीं है, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव और आपका संकोची स्वभाव, वो इन लोगों ने बाद में डाला, ये पहले वाले दस्तावेजों में नहीं मिलता। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी कौन, ट्राइबल कौन, ट्राइब कौन, उसका जो दस्तावेजीकरण है वो किसने किया, ये आपसे सवाल है, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों से पहले आदिवासियों के बारे में किसी ने दस्तावेजीकरण किया क्या? नहीं किया। सांस्कृतिक रेफरेंस मिलेंगे, सांस्कृतिक रेफरेंस मिलेंगे, दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। गुप्त काल में अमरकोश सहित 2-3 किताबें हैं, उन किताबों में बिलों का उल्लेख मिलता है, और उससे थोड़ा सा पहले रामायण महाभारत में भी बिलों का उल्लेख मिलता है, लेकिन बिल नाम नहीं मिलता। लेकिन अब सवाल पैदा होता है